देखिए, जिस तरीके से पास प्रैक्टिस है, यहाँ पर एक मीटिंग की जाती है 15 अगस्त से पहले, सारे डिस्ट्रिक्ट अफसर के साथ, सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, पुलिस वालों के साथ। आज वही मीटिंग थी जिसमें क्या अरेंजमेंट करने हैं, किस तरीके से करना है, कैसे इस फंक्शन को सक्सेसफुल बनाना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड की गई। और कैसे एनलाइटनमेंट करनी है हमारे बड़े ऑफिसर्स के घर की, किस दिन से करनी है, कैसे बिजली का प्रबंध ठीक होना चाहिए, कैसे पानी वहाँ पर स्वच्छ साफ सुथरा पानी कैसे मिलेगा उस दिन बच्चों को। खासकर 6 अगस्त से अब जो रिहर्सल शुरू होनी है, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनको क्या क्या सहूलियतें मिलनी है और कैसे मिलनी है, कौन कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो सारे ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी गई ताकि ये सक्सेसफुल तरीके से हमारी रिहर्सल भी चले और 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल भी परफेक्ट तरीके से हो। जहाँ कहीं हमें दिक्कत दिखेगी या फिर कोई कमी दिखेगी तो हम लोग उसको 14 अगस्त को पूरी करने के बाद 15 अगस्त को ये फंक्शन जो है बड़े बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, इसके लिए तैयारियाँ की। सर जैसे आप मीटिंग में सुन भी रहे होंगे, मैंने ये हिदायत दी है सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी और आम जन को भी, हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर्स को भी, कि आप सब अपने लेवल पे जो जो निगरानी कर सकते हैं, जिस किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कोई सस्पिशियस मूवमेंट्स की, तो वो तुरंत पुलिस वालों को खबर करें, सिक्योरिटी फोर्सेज को खबर करें, ताकि उसका कॉग्निजेंस लेके जो भी हमसे बन पड़ता होगा वो हम ज़रूर करेंगे, ताकि टू अवॉइड अनटूवर्ड इंसिडेंट। ये SSP साहब को हमें बोल दिया गया है कि आप अपने लेवल पे एक सिक्योरिटी रिव्यू ले लीजिए विद ऑल सिक्योरिटी फोर्सेज, चाहे वो BSF हो, आर्मी, CRPF या जो भी हमारे पुलिस वाले भी हैं, खुद ये रिव्यू करेंगे। जहाँ कहीं ज़रूरत जिस चीज़ की है, चाहे ड्रोन की ज़रूरत हो तो ड्रोन के साथ ये सब देख लेंगे कि कहाँ क्या चीज़ है, क्या सस्पिशियस मूवमेंट है। जैसे आए दिन हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो जहाँ जहाँ जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो इनपुट मिलते हैं, उस इनपुट्स के हिसाब से हम कैसे काम करेंगे, ये रिव्यू ले लेंगे और उसके हिसाब से अपने अपनी कार्रवाई करेंगे या कंटेनेंस को उसी तरीके से तैनात कर देंगे DPL के आगे पीछे।